बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज के जो वजीफा है बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले अच्छी सी प्यारी सी बात की तरफ चलते हैं। मुर्दे के कफन में तीन कपड़े होते हैं, जबकि मुसलमान औरत के कफन में पांच कपड़े होते हैं। दो जायद कपड़ों में एक अस्काफ यानी जैसे दुपट्टा होता है, ठीक है, और दूसरा उसकी चादर होती है जिससे उसका पूरा वजूद जो है ढका जाता है। अफसोस है इस मुसलमान औरत जो आजकल की औरत है, पूरी जिंदगी अपना सर नंगा करके और अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं रखती। कपड़े इतने बारीक होते हैं कि जिनमें जिस्म झलकता है, और ऐसी औरतें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक सूंघ ना पाएंगी। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें तंग और बारीक कपड़े पहनती हैं और अपने बालों को लपेटती हैं ऐसे जैसे ऊंट के कुहान होते हैं, ठीक है, और अपने जिस्म को ऐसे लचका के जो है मटका के चलती हैं, वो औरतें जन्नत में तो क्या, जन्नत की खुशबू तक सूंघ ना पाएंगी। लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला अपने पास जब वो औरत को बुलाते हैं ना, तो अल्लाह पाक देखें कितनी उसको कपड़ों में ढांप के, उसके कफन में पांच चीजें लगा के, तो फिर अल्लाह पाक उसको अपने पास बुलाते हैं कि अल्लाह के पास भी सामने जाए तो अल्लाह पाक के सामने भी वो परते में हो। तो मेरी एक सिर्फ अपनी मुसलमान बहनों से गुजारिश है कि ऐ मुसलमान बहनों, अफसोस है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हया में अपने पास बुलाया, लेकिन आजकल की खातून, आजकल की बहनें, बेटियां, कुछ भी, आजकल इवन माए भी इस चीज को नहीं समझती हैं। तो अल्लाह ताला इस चीज से बिल्कुल हया जो लोग नहीं करते, तो फिर अल्लाह पाक भी उनसे हया नहीं करते, ठीक है ना। अल्लाह पाक का दिल दुखाओगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान खसारे में है। तो इस चीज का ख्याल रखिए, अपने घर का माहौल बनाए। भाइयों से गुजारिश है, अगर बहनें इस तरह करें तो उनको पर सख्ती करें। बाप हैं तो जो अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो बेटियां अगर ऐसे करें तो उन पर सख्ती करें। शोहर है तो बीवियां ऐसे करें तो उन पर सख्ती करें। इन औलाद ही तो है जो सदका जारिया है, औलाद ही तो है तो जो फितना है आप लोगों के लिए। तो प्लीज इससे बचे, अपनी इस बहन की बात मान के थोड़ा सा इस्लाम की तरफ उनको लाए, अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं, ताकि उनका भी दिल जो उनसा है अल्लाह की रजा की तरफ माइल हो जाए। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। मैंने जितने भी वजीफे आपको बताए हैं तो मैंने शरीयत के लिहाज से बताए हैं। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि तो नौज़बिल्ला आपको कुछ ऐसा वजीफा बताऊं जिससे आपको जो है, जिससे आपको नुकसान हो या गलत। हमेशा मैंने कहा है कि वजीफों को अच्छे तरीके से, मतलब कि मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। अब मोहब्बत ये तो नहीं होती कि कोई लड़का लड़की मोहब्बत करे तो यही मोहब्बत है, नहीं। मोहब्बत ये होती है अपने प्यारों से जिसके लिए अल्लाह पाक भी राजी हो। लाजिम नहीं है कि आप अपने गलत काम के लिए इसको इस्तेमाल करें। मियां बीवी के लिए भी मेरे वज़ाइफों को इस्तेमाल किया जा सकता है, और शरीयत के लिहाज से तो अगर किसी के रिश्ते के लिए भेजा है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई माँ है तो मैं अक्सर दफा कहती हूँ कि माएँ भी ये वजीफा कर सकती हैं। मेरी वजाइफ में या मेरे अमलियात में कोई ऐसा गलत अल्फाज नहीं है। तो आज भी जो मैं वजीफा आपको बताने लगी हूँ बहुत मोतबर है, उसका आपको भी बहुत खुशी होगी सुन के कि ये वजीफा उन बहनों के लिए भी है जो शादी की वजह से बहुत परेशान है। लफ्ज है हा मीन आइन सीन कौफ, ये हरूफ मुकत्तिया, यानी इसको लोहे कुरानी हरूफ में से भी जाना जाता है और हरूफ मुकत्तिया भी कहा जाता है। 786 बार आपने पढ़ना है, ठीक है। तरकीब इसकी ये है वजीफे की या अमल की, नमाज इशा के वक्त फारिग होकर इसका विर्द करना शुरू करें, पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजिम पढ़ लें। आखिर इसका नाम लेकर पुकारें जिसको आप मतलब कि हाजिर करना चाहते हैं, जिसको आप पुकारना चाहते हैं, जिसको आप बुलाना चाहते हैं। अब पढ़ते वक्त आपने लड़के का नाम या लड़की का नाम, ठीक है, उसके बाद उसकी वालदा का नाम, ठीक है, फिर आपने पढ़ना है आला हुब, फिर आपने पढ़ना है आला हुब, और फिर उसका मतलब कि जिसको पुकारा जा रहा है ना उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। फिर दोबारा से सुन लें कि अपना नाम और अपनी वालदा का नाम जिसको आप बुला रहे हैं उसके बाद उसका नाम लेना है। पहले अपना और अपनी वालदा का नाम लीजिएगा, फिर पढ़िएगा आला हुब, फिर उसका और उसकी वालदा का नाम। तीन दफा पुकार कर तसव्वुर मिलाकर आप दम करें और इंशाल्लाह अपने काम में इस तरह कामयाबी हासिल होगी कि यकीन माने कि कोई अमल भी कर ले उतना कामयाब नहीं होगा जितना ये अमल कामयाबी की तरफ लेके चलता है। और यकीन माने वो तड़पता हुआ आप तक पहुंच जाता है। जितना देखें लफज है हा मीम आइन, देखें मैं लंबा कर रही हूं ना, देखें हा
हा खड़ी वाला है तो हा, मीम है मद्दा वाला तो मीम, आईन, सीन, कौफ। अब ये देखें, ये लफ्ज जोन से है ना, इनके मद्दा को जितना लंबा करके पढ़ेंगे ना, आप यकीन माने उतनी उसके दिल में आग लगेगी, जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिसको अपने मुसख्खर करना चाहते हैं, जिसको अपने प्यारे को आपसे नाराज हो गया टूट गया, उसको बुलाने के लिए वजीफा बहुत प्यारा है। नौ जल्दी जुमेरात को भी शुरू कर सकते हैं और चांद की 14 तक से पहले पहले ये वजीफा किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें मंगल वाले दिन ये वजीफा कभी शुरू ना करें और ना हफ्ते वाले दिन। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।